हेलो बच्चा लोग, तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एसएस स्टडीज में। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए अपने बात को पूरा करते हुए क्लास टेंथ की जो आपसे बोला था क्लास टेंथ की मैथ्स पढ़ेंगे, आज हम लेकर आए हैं अपना एपिसोड नंबर 2, जिसमें हम जो है क्लास टेंथ की चैप्टर 1 रियल नंबर के एग्जांपल्स कर रहे हैं एक्सरसाइज 1 के। तो एग्जांपल नंबर 1 की तरफ चलते हैं, आइए। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कह रहा है, कंसीडर द नंबर 4 की पावर n, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू फॉर n फॉर विच 4 की पावर n एंड विद द डिजिट 0। तो यहां पर एग्जाम्पल नंबर 1 में आपसे ये कह रहा है, एक नंबर है 4, उसकी पावर है n, n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। अब आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफिनिटी। तो यानी कि 4 की पावर आप कुछ भी रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो अगर मान लो आप 4 की पावर 1 रखते हो तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 रखते हो तो 16 आएगा। तो इस तरीके से आप 4 की कोई भी पावर रखो, क्या कोई ऐसी पावर रखो जिससे कि वहां पर 0 आ जाए, ऐसा पॉसिबल है, तो वो आपको चेक करना है। तो उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। आप मानिए अगर कोई भी डिजिट 0 पे एंड हो रही है, अगर कोई भी डिजिट 0 पे एंड हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो 10 का मल्टीपल है, क्योंकि उसके पीछे 0 आ रहा है। जब 10 का मल्टीपल है तो हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि 10 उसका फैक्टर है। अब अगर किसी नंबर का 10 फैक्टर है तो वो 10 0 पे, वो नंबर जो है 0 पे एंड होगा ही होगा। तो अब एक दूसरी बात, अब 10 के क्या-क्या फैक्टर होते हैं, हमारे 10 के फैक्टर होते हैं 2 और 5। तो अगर हमारे किसी भी नंबर का कम से कम एक 2 और कम से कम एक 5 अगर कोई फैक्टर है, तो उस नंबर की एंड डिजिट 0 हो सकती है। तो वही चेक करना है हमें, अगर हमारे कोई भी नंबर जो दिया हुआ है उसमें 2 एक फैक्टर आ रहा है या 5 एक फैक्टर आ रहा है, इजीली कह सकते हैं कि वो नंबर जो है 0 पे एंड होगा। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो वो कभी भी 0 पे एंड वो नंबर नहीं होगा। तो चलिए हमारे नंबर में यहां पे दे रखा है 4, 4 की पावर n। अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 को लिख सकता हूं मैं 2 × 2, यानी कि 2 बार 2, 2 2 4। अब यहां पे 2 2 है तो 2 की पावर 2n। तो यहां पर मैंने देखा कि 4 जो था और 4 का क्या-क्या फैक्टर आ रहे हैं, खाली 2 और 2, 2 दो ही फैक्टर, वो भी 2 के ही। तो यानी कि एक ही फैक्टर आ रहा है यहां पर 2। तो मैंने अभी आपसे बोला था अगर कोई भी नंबर 0 पे एंड होगा तो उसका कम से कम एक तो 2 फैक्टर होना चाहिए और कम से कम एक 5 फैक्टर होना चाहिए, तभी वो नंबर 0 पे एंड होगा, वरना वो नंबर कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। तो हमारे यहां इस नंबर जो है ये 2 ही एक फैक्टर आ रहा है, 5 तो आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये है हमारी 4 की कोई भी पावर रख लो वो कभी भी 0 पे एंड नहीं हो सकती। तो ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को भैया लिखना कैसे है, तो लिखने की जिम्मेदारी हमारी है, अब वो आपको सिखाते हैं। चलिए, तो एनी नंबर एंडिंग विद डिजिट 0 इज एक्चुअली अ मल्टीपल ऑफ 10, जो भी अभी मैंने आपको सिखाया, अगर कोई भी नंबर 0 पे एंड हो रहा है तो वो 10 का मल्टीपल होगा, और इसका मतलब क्या है, 10 = 2 × 5, यानी कि 10 के दो ही फैक्टर होते हैं 2 और 5। दस फॉर अ नंबर टू एंड विद डिजिट 0, अगर कोई नंबर 0 पे डिजिट पे एंड हो रहा है तो 2 और 5 उसके फैक्टर होंगे ही होंगे। इट शुड एट लीस्ट 1 2 और 1 5 इट्स प्राइम फैक्टर, अगर कोई नंबर 0 पे एंड होगा तो कम से कम 2 1 तो 2 और 1 5 उसके प्राइम फैक्टर होने चाहिए। बट हियर 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर, पर हमने यहां पे देखा कि यहां पे तो एक ही फैक्टर है वो भी 2, 5 तो यहां पर है ही नहीं। जब 5 यहां पर है ही नहीं तो 2 की 4 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, तो 4 की पावर n कभी भी 0 पे डिजिट पे एंड नहीं होगी। तो समझ आया आपको, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Find the LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization method. Prime factorization method से 6 का और 20 का क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो HCF और LCM निकालना अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था, अगर किसी ने वो नहीं देखी है तो जाकर के इंट्रोडक्शन की वीडियो देखे और फिर अब यहां पर आइए। अब यहां पर क्या है, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, सबसे पहले फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, फैक्टर्स निकालने के बाद हमें उसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो फैक्टर्स तो हम निकाल लेंगे, फैक्टर्स तो हमें आते हैं बचपन से, 6 के क्या क्या फैक्टर आ गए, 6 को पहले मैंने 2 से डिवाइड किया 3 बार में, फिर 3 को 3 से डिवाइड किया 1 बार में, ऐसे फिर मैंने 20 के फैक्टर निकाले, 20 को पहले 2 से डिवाइड किया 10 बार में, फिर 10 को 2 से डिवाइड किया 5 बार में, फिर 5 को 5 से डिवाइड किया 1 बार में। तो इस तरीके से ये तो मैंने निकाल लिए इनके फैक्टर्स, क्या 6 के क्या क्या फैक्टर आ गए 2 और 3, और 20 के क्या क्या फैक्टर आए 2 2 और 5। तो यहां पे लिख दिया प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 20 आर 6 = 2 × 3 और 20 = 2 × 2 × 5। तो अब हमें निकालना है LCM और HCF, तो आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं थोड़ा सा, LCM और HCF कैसे निकालते हैं। देखो जो भी नंबर के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखे हैं उनमें अगर कोई भी फैक्टर कॉमन है, कोई भी फैक्टर कॉमन है, तो जब हम HCF निकालते हैं, HCF तो जो कॉमन होता है सिर्फ उन्हीं को लेते हैं और उन्हीं को मल्टीप्लाई करते हैं, वही हमारा क्या होता है HCF होता है। अगर मान लो कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो उसका HCF क्या हो जाता है, फिर 1 हो जाता है, और 1 जिनका HCF आता है उन्हें हम एक स्पेसिफिक नाम भी देते हैं जो कि है कोप्राइम नंबर। क्या आपको ये पहले से पता था कि अगर किसी भी नंबर का HCF 1 होता है तो उसे कोप्राइम नंबर कहते हैं। तो आपके लिए आज एक होमवर्क है कि आप मुझे 2 ऐसे नंबर बताइए जिनका HCF 1 आए। तो अब देखिए यहां पर हमें क्या निकालना है, LCM। तो LCM कैसे निकलता है, LCM निकलता है कि अगर मान लो कोई नंबर कॉमन है और अदर नॉन कॉमन है, तो जो भी फैक्टर कॉमन है उसको तो लेंगे ही लेंगे, बाकी जो नॉन कॉमन है उनको भी लेकर के आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। तो इस केस में हमने देखा 6 और 20 में सिर्फ 2 कॉमन है, बाकी 3 2 और 5 ही नॉन कॉमन है। तो सबसे पहले जो कॉमन है उसको ले लिया, फिर जो नॉन कॉमन है उनको ले लिया और आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। तो इस तरीके से 6 और 20 का एचसीएफ क्या आ गया, 60, एलसीएम क्या आ गया, 60, और एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ यहां पे सिर्फ दोनों में एक ही फैक्टर कॉमन है जो कि 2। तो हमने अभी बताया कि एचसीएफ जब निकालते हैं तो उसमें सिर्फ क्या लेते हैं, कॉमन वाला लेते हैं, जो कि यहां पर ले लिया हमने 2। तो अब चलिए अपना एग्जांपल नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया सबको अच्छे से? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब फाइंड देयर एलसीएम। अब हमें यहां पे दो नंबर दे रखे हैं, एक दे रखा है 96 और दूसरा दे रखा है 404। हमसे कहा है इनका पहले एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ निकालने के बाद प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ निकालो और उसके बाद उसका एलसीएम निकालो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? फैक्टर्स निकालने हैं। वेरी गुड, क्या निकालने हैं? फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम 96 का फैक्टर निकालेंगे। 96 को मैंने 2 से डिवाइड किया 48 बार में, 48 को फिर 2 से डिवाइड किया 24 बार में, फिर 2 से 24 को डिवाइड किया 12 बार में, फिर 12 को 2 से डिवाइड किया 6 बार में, फिर 6 को 2 से डिवाइड किया 3 बार में, और फिर 3 से 3 को डिवाइड किया 1 बार में। तो इस तरीके से हमारे 96 के फैक्टर आ गए। ऐसे ही हम 404 के फैक्टर निकालेंगे। 404 को मैंने पहले 2 से डिवाइड किया 202 बार में, फिर 202 को फिर से 2 से डिवाइड किया 101 बार में, फिर 101 से 101 को किया 1 बार में। तो इस तरीके से मैंने 404 के भी क्या निकाल लिए? फैक्टर निकाल लिए। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? याद रखिए एचसीएफ। और अभी एचसीएफ क्या बताया कि दोनों में के फैक्टर्स में जो भी कॉमन आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? एचसीएफ। तो आइए देखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96 एंड 404 क्या क्या है। प्राइम फैक्टर्स 404 और 96 के, तो 96 के फैक्टर आए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, और 404 क्या है 2 × 2 × 101। तो हमने देखा यहां पर 96 और 404 में सिर्फ 2 कॉमन है और दूसरा वाला फैक्टर भी 2 ही कॉमन है। तो यानी कि हमने यहां पे देखा 2 के दो फैक्टर्स हैं, यानी कि दो फैक्टर हमारे 2 ही 2 के कॉमन है। तो यहां पर हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 × 2, जो भी कॉमन है उसको आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 2 हमारा क्या आ गया? एचसीएफ 4। तो आधा क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है। इन्होंने कहा था फाइंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकाल लिया है? एचसीएफ निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में एक फॉर्मूला भी बताया था। वो क्या था कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर है, एक ए है और एक बी है, तो उनका फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ये था, एलसीएम ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो जो भी दो नंबर है उनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई। तो उससे हम क्या निकालेंगे? हम इनका एलसीएम निकालेंगे। निकालने के लिए तो हम एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग करते हैं हम अपने क्वेश्चंस में। तो एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ। तो दो नंबर क्या थे हमारे यहां पे? एक 96 था, दूसरा क्या था? 404। तो उनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई 96 × 404, और अभी हमारा एचसीएफ क्या आया दोनों का? आया 4। तो 4 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो 4 × 1 = 4, और 4 से 96 को डिवाइड किया 24 बार में। अब हमने क्या किया? 24 से 404 को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई 24 × 404। तो हमारा आंसर आ गया 9696। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का क्या भी निकाल लिया? एलसीएम भी निकाल लिया। तो अब आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप थोड़ा सा रीप्ले करके देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, और अगर इस 1, 2, 3 एग्जांपल में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अब हम रुकने वाले नहीं है, हम अपनी क्लास 10th का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब अपने एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। तो एग्जांपल नंबर 4 में क्या कह रहा है? फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभी वही करके आ रहे हैं, अब तीसरा भी चौथा भी हमें वही करना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स का यूज करना है। इस बार हमारे पास 2 की जगह 3 नंबर है, तो 3 नंबर का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले वही बात, क्या निकालेंगे हम? फैक्टर्स निकालेंगे। तीनों के क्या निकालेंगे? फैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने 6 का फैक्टर निकाला, 6 को मैंने 2 से डिवाइड किया 3 बार में, फिर 3 को 3 से डिवाइड किया 1 बार में। फिर ऐसे ही 72 के फैक्टर निकाले, 72 को मैंने 2 से डिवाइड किया 36 बार में, 36 को 2 से डिवाइड किया 18 बार में, 18 को 2 से डिवाइड किया 9 बार में, और फिर 9 को 3 से डिवाइड किया 3 बार में, और 3 को फिर 3 से डिवाइड किया 1 बार में। इस तरह से मेरे 72 के भी फैक्टर आ गए। फिर ऐसे ही मैंने 120 के फैक्टर निकाले, पहले मैंने 120 को 2 से डिवाइड किया 60 बार में, 60 को फिर 2 से डिवाइड किया 30 बार में, फिर 30 को 2 से डिवाइड किया 15 बार में, 15 को 3 से डिवाइड किया 5 बार में, और 5 को डिवाइड किया 5 से 1 बार में। तो इस तरीके से तीनों के मैंने क्या निकाल लिए? फैक्टर्स निकाल लिए। तो अब देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, 72 एंड 120 आर। हमें निकालना क्या है? एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ का तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एचसीएफ निकालने के लिए इन तीनों नंबर में कॉमन होना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि दो नंबर में कॉमन हो, नहीं, हमें जो ये तीन नंबर दे रखे हैं, अगर हमें तीन नंबर का एचसीएफ निकालना है तो वो नंबर जो है, जो वो फैक्टर होगा, वो तीनों में ही कॉमन होना चाहिए, वही हम एलसीएम लेंगे, एचसीएफ लेंगे। वरना अगर दो में कॉमन है तो एचसीएफ में काउंट नहीं होगा। और एलसीएम में क्या होगा? एलसीएम में जो तीनों में कॉमन है वो तो लेंगे ही लेंगे, और बाकी नॉन कॉमन को भी लेंगे। तो देखते हैं, तो 6 में 672 और 120 के फैक्टर्स लिख दिए मैंने। 6 का क्या है? 2 × 3, 72 का क्या है? 2 × 2 × 2 × 3 × 3, और फिर 120 का क्या है? 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो यहां पर इन तीनों में से दो ही फैक्टर कॉमन है, वो है 1 2 और 1 3। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इन दोनों का एचसीएफ क्या है? इन दोनों का एचसीएफ है 6, क्योंकि एचसीएफ ऑफ 6, 72 एंड 120 = 2 × 3, क्योंकि दोनों में सिर्फ दो ही डिजिट कॉमन है, दो ही फैक्टर कॉमन है 2 और 3। अब हम दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई 2 × 3 = 6। तो हमारा एचसीएफ आ गया इन तीनों नंबर का 6। एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, जो भी फैक्टर कॉमन है उसको तो लेंगे लेंगे, जो बाकी नॉन फैक्टर कॉमन है उसको भी लेंगे। तो एलसीएम में एक ये भी होता है कि अगर मान लो कोई चीज दो में कॉमन है तो वो भी लेंगे, वो दो कॉमन को ले लेते हैं एलसीएफ में, एलसीएम में, लेकिन एचसीएफ में दो को कॉमन को नहीं लेते हैं। तो अब एक दूसरा है जो कि कल भी बताया था, जो कल क्या बताया था, ये बताया था अगर मान लो कोई फैक्टर कॉमन है तो एलसीएम निकालते समय जो हाईएस्ट पावर होती है उसे लेते हैं, और बाकी जो नॉन कॉमन होती है उसे लेके आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ में यह होता है कि जो भी कॉमन होता है, कॉमन की जो सबसे कम पावर होती है, जो फैक्टर कॉमन है उसकी जो सबसे कम पावर होती है उसे
देते हैं। तो देखिए हमने इसे दूसरी तरीके से लिख दिया, 6 को 2 into 3 और 72 को 2 into 2 into 2 into 3 into 3 था, तो यानी कि यहां पे 2 कितने थे, 3 थे, तो 2 की पावर 3 और 3 कितने थे, 2 थे, तो 3 की पावर 2। ऐसे ही 120 में 2 कितने थे, 3 थे और एक 3 और एक 5, तो 2 की पावर 3 into 3 into 5। तो अभी मैंने आपको बताया कि LCM में जो भी कॉमन होगा उसकी हाईएस्ट पावर लेंगे, तो इन तीनों में सिर्फ क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, और 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो हम लेंगे LCM में 2 की पावर 3। दूसरा फैक्टर क्या कॉमन है, 3। अब 3 की यहां पे पावर 1, यहां पे पावर 2, यहां पे पावर है 1, तो हाईएस्ट पावर क्या है यहां पे, 3 की, 3 की पावर 2, तो यहां पे लेंगे 3 की पावर 2। अब हमारा एक बचा फैक्टर 5 जो कि नॉन कॉमन है, तो LCM निकालते समय हम उसे भी कंसीडर करते हैं, तो हमने उसे भी ले लिया। 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8, 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9 और 5 का 5, 8 9 जा 72 into 5 और 72 into 5 is equal to 360। तो ये थे हमारे एग्जांपल नंबर एग्जांपल्स ऑफ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1 के। तो एक्सरसाइज 1 के 4 एग्जांपल थे हमारे, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3, एग्जांपल 4। तो मैंने इनको आपको लिख करके समझाया कि कैसे उन्हें रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन हमारा मैटर करता है बोर्ड के लिए। तो ये सारा रिप्रेजेंटेशन था एग्जांपल 1 2 3 4 का। अगर आपको ये तीनों समझ में आए, चारों समझ में आए, तो थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से रिप्ले कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से बस आज के एपिसोड नंबर 2 में सिर्फ इतना ही, एपिसोड नंबर 3 को लेकर आएंगे हम अपनी एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 1.1 के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।